दोस्तों, शुल्क नेटिव में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अंकित। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अभी से नहीं, फरवरी के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पेपर है आपको 27 का दिया हुआ है टेंटेटिव डेट शीट में, और फाइनल डेट शीट जो होगा वो 2-3 दिन पीछे आगे पीछे होगा। ठीक है, और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका तैयारी नहीं हुआ है। आप चाहे तो चाहे क्यों, बिल्कुल आप बेसिकली आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, बहुत ही अच्छे से करो, बाद में की जो हेल्प होगी, ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ज़रूरत होगी वो आप लोगों तक प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम से पहले जो स्टूडेंट जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करता है वो एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा मार्क लाता है। और ओरिजिनल कहावत जो ये है कि जो सैनिक युद्ध से पहले जितना अभ्यास करता है वो युद्ध में उतना ही अपना शौर्य दिखा पाता है। तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जम के करनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं सोल कम्युनिटी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ से बीकॉम का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका शुरू होगा फरवरी से ही स्टार्ट होगा। एक्चुअली टेंटेटिव डेट शीट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो फाइनल डेट शीट होगा, ठीक है, फाइनल डेट शीट होगा वो भी इसी के 2-4 दिन आगे पीछे होगा। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि सोल कम्युनिटी पर आपको पता है कि जितने भी PYQs हैं, ठीक है, PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आपको पता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें 90% सेप ऑफ क्वेश्चन, या यू समझ लो कि 95% क्वेश्चन हुबहू आते हैं। मीन्स अगर आप उसको करके जाते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आप देख लो कि आपका एग्ज़ाम कब कब है। ठीक है, पहला एग्ज़ाम है आपका 27 फरवरी को, फर्स्ट सेमेस्टर का। पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दूसरा एग्ज़ाम है 1 मार्च को, वेंसडे को रोज। पेपर कोड आपके सामने है और उसका क्वेश्चन पेपर नेम है बिजनेस लॉज। थर्ड मार्च को, फ्राइडे के रोज, फर्स्ट सेमेस्टर। कोड आपके सामने है 24120911103। ये पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, ये आपका टेंटेटिव डेट शीट है और फाइनल डेट शीट कुछ ही दिन बाद आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनल डेट शीट जैसे मिलेगा आपको, एक सप्ताह बिफोर योर एग्जामिनेशन, 1 वीक बिफोर, और योर एडमिट कार्ड विल बी इशू। ओके, तो दोस्तों आप लोग अभी से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए, बाद में के हेल्प के लिए हम लोग हैं ही। ठीक है, आप लोगों को जितने सारे एग्ज़ाम हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, PYQs जो हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप चाहे तो आंसर मेरे से ले सकते हो, आप चाहे तो आंसर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। ठीक है, और बाद में कि अपने एग्जामिनेशन में जुड़ जाइए, बिल्कुल मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको तो एक पता ही है कि जो सैनिक युद्ध से पहले जितना प्रैक्टिस करता है वो युद्ध में उतना ही बहादुरी से अपनी कौशलता दिखाता है, उतना ही ज़्यादा खून बहाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन से पहले जितनी प्रैक्टिस करता है, जितनी मेहनत करता है, वो एग्जामिनेशन में उतना ही बेहतर करके आता है। तो ये आपको फॉर्मूला को करके करने से जाना है और अपनी प्रैक्टिस को
बेहतर करके जानी है। बाद में की PYQ के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।